सैंफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में हुई फ्रेशर पार्टी, चुने गए मिस्टर एंड मिस फ्रेशर। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैंफई में बीपीटी एवं डीपीटी स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें किशन को मिस्टर फ्रेशर एवं मनीषा को मिस फ्रेशर चुना गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने किया। इस अवसर पर प्रतिकुलपति डॉक्टर रमाकांत यादव, समग्र प्रभारी पैरामेडिकल डॉक्टर पीके जैन, कुल सचिव सुरेश चंद्र शर्मा, संकाय अध्यक्ष पैरामेडिकल एवं विभाग अध्यक्ष फिजियोथेरेपी डॉक्टर सूरज कुमार, फैकल्टी मेंबर नेहा रस्तोगी, अंजलि अग्रवाल, के बी रंजीत सिंह चौधरी तथा डॉक्टर गौरी शंकर आदि उपस्थित रहे। मुख्य कार्यक्रमों में छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता आदि रखी गई। कार्यक्रम के अंत में मिस्टर फ्रेशर एवं मिस फ्रेशर का चुनाव किया गया। कुलपति डॉक्टर राजकुमार ने मिस्टर फ्रेशर किशन एवं मिस फ्रेशर मनीषा को सम्मानित किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी चिकित्सा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विधा है तथा इस विधा में शिक्षा पाए स्टूडेंट्स के लिए सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में व्यापक रोजगार के अवसर मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त इस विधा में आगे की पढ़ाई कर शोध आदि के क्षेत्र में भी जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी की जरूरत सर्वाधिक आर्थो एवं न्यूरो के मरीजों के ठीक होने में होती है। प्रतिकुलपति डॉक्टर रमाकांत यादव ने कहा कि आज मेडिकल के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में फिजियोथेरेपिस्ट की मांग बढ़ रही है। इसके लिए जरूरी है कि इस विद्या में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स पूरे मन से पढ़ाई करें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के फिजियोथेरेपी विभाग में स्टूडेंट्स के लिए बेहतर सुविधाएं हैं, जिसमें बेहतरीन फिजियोथेरेपी लैब के साथ सीखने के लिए बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध है। जसवंत नगर से प्रदीप सिंह चौहान की रिपोर्ट, सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत, बुलंद खबर। तो हुजूर साहब का मतलब गुरु नानक देव जी ने एक पत्थर दिया और कहा कि जा बेटा बाजार में जरा पूछ के आ कि इसकी कीमत क्या है। वो उनका शिष्य जो है पहले सब्जी वाले के पास पहुंचा। उसने कहा भाई इसकी कीमत, गुरु साहब ने दिया है, इसकी कीमत क्या है। सब्जी वाले ने कहा कि भाई सीधा बड़ा अच्छा चमक रहा है, मुझे इसकी कीमत कुछ नहीं पता है। आप देख रहे हो सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत, बुलंद खबर।